दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहने और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एडीजी जोन ने खिचड़ी मेले के दृष्टिगत पुलिस प्रबंधकारियों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई संपन्न। एडीजी जोन ने दी जानकारी, कहा नए वेरिएंट के दृष्टिगत कड़ाई के साथ कराया जाएगा रात्रि कर्फ्यू का पालन। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा नवनिर्मित सदन भवन का 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण। एडीजी जोन ने कैंट थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई लूट की घटना का जल्द से जल्द अनावरण करने का दिया निर्देश। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा 26 से 5 जनवरी तक विशिष्ट स्टैंप अदालत के माध्यम से पक्षकार स्टैंप निबंधन शुल्क की कमी तथा ब्याज जमा करने पर दी जाएगी छूट। प्रदेश के मेडिको लीगल एक्सपर्ट ने जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पोस्टमार्टम संबंधी विषय पर दी जानकारी। सिख समुदाय ने साहिबजादों की याद में सबद कीर्तन का हुआ आयोजन। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 372 सीएचसी पीएचसी जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। जनवरी माह में महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले के दृष्टिगत एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा पुलिस प्रबंध की समीक्षा की गई। वहीं संबंधित अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और एडीजी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रितेश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया। देखिए, मुख्यतः जो मुझे पता लगा, आज मैं गया भी था, कि काफी लोग मंदिर आते हैं, यहाँ पर मंदिर में दर्शन करते हैं और वहाँ पे जो मेला लगा है वो आंशिक रूप से लग जाता है खिचड़ी का मेला, तो उसमें भी लोग उसमें भी भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त शहर में पहली जनवरी को काफी अब दर्शनीय स्थल आ गए हैं, चिरुआ ताल पे, रामगढ़ ताल पे, इन जगहों पे भी लोग जाते हैं। नौकायान अब शुरू होने वाला है, तो इस दिशा में पुलिस अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करेगी। ट्रैफिक एक मेजर इशू रहता ही है, हमेशा से रहता है गोरखपुर में। रोड्स के कंपेरिजन में व्हीकल्स ज़्यादा हैं और अब उस दिशा में भी हम लोगों के प्रयास कल भी हुए थे। सोमवार को जो जाम लगता था उसको दूर करने के लिए कुछ डाइवर्जन प्लान्स तैयार किए गए थे, परंतु 1 जनवरी को विशेष रूप से हम लोगों को हर जगह विशेष रूप से ट्रैफिक पे ध्यान देते हुए अलर्ट रहना पड़ेगा और ड्यूटियाँ रहेंगी, हमारी तरफ से प्रॉपर डिप्लॉयमेंट रहेगा। तो प्रयास ये रहेगा कि जनता को मिनिमम इनकन्वीनियंस से नववर्ष ठीक से मना सके और उसका आनंद उठा सके। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में उद्योग बंधु समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों की विभिन्न समस्याओं को गंभीरता से जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित विभागों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि व्यापारियों से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बैठक में उपायुक्त उद्योग रवि कुमार वर्मा सहित बड़ी संख्या में उद्योग बंधु समिति के सदस्य मौजूद रहे। आदेश यहीं पे होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल एसओपी रहेगा उसी अनुसार करना।
15 दिसंबर का फाइनल डेट था कि अब ये लास्ट एक्सटेंडेड डेट है, अब तक काम कंप्लीट। अब वहाँ रूम में लोग कुछ सो रहे थे, कुछ लोग तो कुछ घटना हो जाती, मतलब डे टाइम में खोदे, बचा के खोदे, कोई जान माल का नुकसान ना हो। जनपद में नए वेरिएंट के दृष्टिगत शासन के निर्देश के क्रम में लगाए गए रात्रिकालीन कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन हो सके, इसको लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नए वर्ष के दृष्टिगत होने वाले देर रात्रि के कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कही है। वहीं 31 दिसंबर की रात में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, देखिए 11 से 5 कर्फ्यू है तो कर्फ्यू है। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं, हिदायत देना चाहता हूं, इसको हल्के में ना लें, इसलिए हल्के में ना लें कि नव वर्ष है और उसको वो वायलेट कर सकेंगे। जहां जहां पार्टीज कोई कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि अराउंड 10:30 तक वो अपने कार्यक्रम ख़त्म कर लें ताकि लोग 11 बजे तक अपने स्थलों पर पहुँच जाएँ। 11 बजे के बाद सड़क पे अगर कोई भी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 31 की रात को भी हमारे ब्रेथ एनालाइजर्स और शराब पीकर चलने वालों की भी इंटेंसिव चेकिंग होगी। किसी प्रकार का किसी भी होलिगनिज्म या दुर्व्यवहार सड़कों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग अच्छा इसको अच्छे ढंग से मनाएं, किसी को इनकन्वीनियंस ना करें, यही मेरा हिदायत है। और खासकर कोरोना के संबंध में जो भी गाइडलाइंस पारित किए हों, जिसमें नाइट कर्फ्यू एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है, इसको गंभीरता से पालन करें, मेरा इनसे यही आह्वान है, अन्यथा उन्हीं को परेशानी होगी। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद वासियों को 525 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से देंगे। इन योजनाओं में नवनिर्मित सदन कार्यालय भवन, प्रस्तावित पत्र इलेक्ट्रॉनिक बसें, साथ ही ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। बेटा वो फूल वाला आओ इधर, फ्लावर अंदर हो इसका। अरे तुम्हारे पास गेंदा है माला, हम देख रहे हैं। जी सर, जी सर। तो तुम इतनी कंजूसी क्यों कर? सर अभी स्टार्टिंग है, समझ रहे ना। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, संज्ञान में है, कल दिनांक 29 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नगर निगम गोरखपुर के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया जा रहा है और उसके साथ ही महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। और इसके साथ ITMS का जो कंट्रोल रूम है, प्लस जो प्रथम चरण में जो काम दिए गए थे वो काम कंप्लीट हो गए हैं और 9 चौराहे पूरी तरह से रेडी हैं। इससे जहां एक तरह पूरे यातायात पे एक कंट्रोल होगा और जो जगह जगह जाम लगते तो उससे काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ पर नए सदन भवन में भी जाएंगे, वहाँ पर पार्षद उनका स्वागत करेंगे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको संबोधित भी किया जाएगा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी मेयर साहब के कक्ष का भी अवलोकन करेंगे और पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण करने के बाद वो मुख्य स्टेज पर जाएंगे, जहां की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को, जैसे कि सफाई कर्मियों को, बेटियों को वो लैपटॉप प्रदान करेंगे, जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मी हैं उनको प्रशस्ति पत्र, जो हमारे कुछ सफाई कर्मी हैं जिनकी की असमय मृत्यु हो गई उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र, और प्रधानमंत्री आवास योजना नगरी के तहत आवास की चाबी, अन्य विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं हैं उनका लाभ लाभार्थियों को देंगे। और साथ ही साथ जो है लगभग 525 करोड़ से ऊपर की जो योजनाएं हैं, जो कि जिनका कि लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर करेंगे, तो निश्चित रूप से कल का दिन नगर निगम के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आने वाले समय में ये एक माइलस्टोन साबित होगा।
और इस कह सकते हैं कि जो पूरी योजनाओं के लोकार्पण और जो शिलान्यास हो रहा है उससे गोरखपुर के विकास, शहर के विकास को एक और नई गति मिलेगी। अभी गोरखपुर शहर महानगर घोषित हुआ है, अब आने वाले समय में जो गोरखपुर नगर निगम को जो नया लक्ष्य है, पूरे शहर में जो मेट्रो रेल योजना है उसको पूरी सुनियोजित तरीके से उसको लागू करना, तो निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से नगर निगम के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हुए नगर निगम को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। सोमवार को कैन थाना क्षेत्र में लूट की घटना के संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा संबंधित अधिकारियों से घटनास्थल का व स्टेट बैंक की मुख्य शाखा का निरीक्षण करने के निर्देश देने के साथ ही घटना का जल्द से जल्द अनावरण करने का भी दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, घटनास्थल का निरीक्षण थोड़ा सूक्ष्मता से करने के लिए, क्योंकि बैंक आज सभी खुल गए थे और करीब करीब वही समय था दिन का जब ये घटना हुई है, तो उस घटनास्थल को समझने के लिए गए थे और वहाँ पर क्या व्यवस्था है। SBI एक मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में घटना नहीं हुई, बट वहाँ पर संदिग्ध जो व्यक्ति हैं, कौन आया था, कैसे घटना कर सकता है, उसकी जानकारी करने हम लोग गए थे। इस घटना के अनावरण के लिए हम लोग ने टीम गठित की गई है और जो टीम के मेंबर्स उनसे भी डिस्कशन हुआ है और हमारा प्रयास होगा कि टीम जल्दी से जल्दी घटना का अनावरण करे। जन सामान्य को आधिकारिक सुविधा प्रदान करने को लेकर स्टैंप वादों के त्वरित निस्तारण एवं उनके निहित स्टैंप कमी की धनराशि राज्य सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक विशेष स्टैंप अदालत लगाए जाने का आयोजन किया जा रहा है तथा आगामी माह में प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार 2 दिन स्टैंप वादों का पारस्परिक सहमति के आधार पर स्टैंप वादों का निस्तारण करने की योजना बनाई गई है। बता दें कि पक्षकार स्वेच्छा से स्टैंप निबंधन शुल्क की कमी तथा ब्याज आज जमा करते हैं तो उनके अर्थदंड पर उदारता से निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में सिटी वंश के संवाददाता से बात करते हुए उप जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया, राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष योजना अभी 26 दिसंबर से चलाई जा रही है। ये 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए विशेष स्टाम्प अदालत लगाई जा रही है। इसमें लोगों के लिए अच्छा ये रहेगा कि जिसकी भी स्टाम्प कमी का मुकदमा है वो अभी आकर के अगर अपने मुकदमे को परस्यू करता है तो उनके ऊपर जो अर्थदंड लगाया जाता है वो बहुत नॉमिनल होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को भी हम लोग स्टाम्प अदालत लगाएंगे। मेरा इस न्यूज के माध्यम से अनुरोध है कि जिनके भी मामले हैं, जिनको अब तक नोटिस प्राप्त हो गई है, वो किसी भी कार्य दिवस में हमारे न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में और AIG स्टाम्प के न्यायालय में संपर्क करके अपने मामलों का सरलता से निस्तारण करा सकते हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। प्रदेश के मेडिको लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर गयासुद्दीन खान के नेतृत्व में विकास भवन सभागार में जनपद के समस्त डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ पोस्टमार्टम के ज्ञान के संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिसमें चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत आने वाले पोस्टमार्टम की बारीकियों के संबंध में जानकारी देते हुए गंभीर अपराधों के निराकरण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे, जनपद के विभिन्न क्षेत्राधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग जितने बैठे हैं डॉक्टर साहब, हम लोग समझ रहे हैं कि मान लीजिए हम अकेले बैठे हैं तो हम जान रहे हैं कोई यहाँ CCTV कैमरा नहीं, कोई देख नहीं रहा है। हम यहाँ छुए, यहाँ छुए, यहाँ छुए, तो फिंगरप्रिंट भी अपना हम ग्लव्स पहन के कर रहे हैं। मान लीजिए एक चीज बता देते हैं आपसे, लेकिन हमारा टच हम नहीं थे तो बचेंगे हैं, पकड़ लेगा। अरे DNA कहाँ से आ गया तुम्हारा? DNA रिसेप्शन थी। अब क्या बोलते हैं सर, रिसेंट एवरेजन, चंद्र का चांद की तरह बुखरा जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिसेंट एवरेजन। अब क्या था आपके, आपने एवरेजन नोट कर दिया, आपने प्रेशर नोट कर दिया। सबसे बड़ा एक में होता है और जो होता है ठीक ठाक होता है, जो तो ठीक चल रहा है। तो अब क्या था आपकी ट्रैकिया भाई, ट्रैकिया एग्जामिन जब कर लिए तो उसमें क्या हिस्टोपैथोलॉजी मिलेगा और ट्रैकिया में लिख देता था ट्रैकिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, आज चिकित्सकों में पोस्टमार्टम के ज्ञान के संवर्धन के लिए जो है हमारे स्टेट के जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर गयासुद्दीन खान साहब हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सतत मेडिकल साइंस जो है सतत ज्ञान का विषय है, सतत अध्ययन का विषय है, तो इसी में जो है पोस्टमार्टम की एक अहम भूमिका होती है चिकित्सा विज्ञान में, खास करके जिसमें हम जो है गंभीर अपराध का निराकरण करते हैं। तो इसलिए अपने चिकित्सकों के ज्ञान संवर्धन के लिए इनसे अनुरोध किया था और हमें इसकी अनुमति मिल गई, इसी सिलसिले में मैं इनका करा रहा हूँ। सिख धर्म के दशम सतगुरु सरवंश दानी संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं उनके 4 सुपुत्र साहिब जादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावार सिंह व फतेह सिंह के अतुलनीय शहादत को समर्पित सबद कीर्तन का आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर पर किया गया। दिसंबर माह में गुरु गोविंद सिंह महाराज का पूरा परिवार देश और धर्म के लिए बलिदान हो गया था। इस माह को पूरे विश्व में सिख समुदाय के लोग इस महान बलिदान गाथा पूरी शिद्दत के साथ याद करते हैं। कार्यक्रम में पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू, गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष जसपाल सिंह, मैनेजर राजेंद्र सिंह, तेजिंदर सिंह, धर्मपाल सिंह, चरणप्रीत सिंह सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में CityOne के संवाददाता से बात करते हुए गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया, सप्ते गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजर कौर जी और उनके 4 साहबजादों को भयानक तसीहे देने के बाद शहीद किया गया था। 2 बड़े साहबजादे चमकौर युद्ध में शहीद हुए थे और 2 सरहिंद की दीवारों में चिनवा दिए गए थे। जो साहबजादे चमकौर की जंग में शहीद हुए थे उनको गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं तैयार करके भेजा था और वो रण में युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। और 2 छोटे साहबजादे यहाँ पर इसके सरहिंद की दीवारों में बहुत बेरहमी से तसीहे देने के बाद छोटे साहबजादों को वहाँ दीवार में चिन्ह दिया गया था। उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा था, देश और धर्म की रक्षा के खातिर ये युद्ध हुआ था। और छोटे छोटे बच्चों ने, 7 साल और 9 साल के बच्चों ने भी अपने धर्म से प्यार करते हुए उनको लालच दिए गए कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लीजिए, आपको जान बख्श दी जाएगी। लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला, देश और धर्म की रक्षा के खातिर, अपनी संस्कृति की रक्षा के खातिर वो दीवार में चिन्ह दिए गए। इन 4 साहबजादों की शहीदी को, माता गुजर कौर जी की शहीदी को नमन करते हुए हम ये लोग शहीदी पर्व मना रहे हैं यहाँ पर। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूर्ण रूप से निजात दिलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इस क्रम में मंगलवार को जनपद के विभिन्न 372 CHC
PHC व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, आज 372 स्थानों पर हो रहा है और खुशखबरी ये है कि हम लोग अभी तक जो 70% के नीचे चल रहे थे, आज हम लोग जो है 75% के ऊपर पहली खुराक जो है जो यहाँ की अनुमानित जनसंख्या है लगा चुके हैं। और हमारा टीकाकरण का अभियान जोरों पर चल रहा है और हम प्रतिदिन जो है 10 से 15 हज़ार नए लोगों को और 20 से 25 हज़ार पुराने लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं। और ये आप सब लोगों के अपरिमित सहयोग से ही हो सका है। आप लोगों की जो जन जागरूकता चल रही है टीकाकरण के लिए, उसका गोरखपुर के लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और प्रतिदिन जो है हमारे आयाम बढ़ते जा रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आइए नज़र डालते हैं एक बार फिर आज की हेडलाइंस पर। ADG जोन ने खिचड़ी मेले के दृष्टिगत पुलिस प्रबंध कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई संपन्न। ADG जोन ने दी जानकारी, कहा नए वेरिएंट के दृष्टिगत कड़ाई के साथ कराया जाएगा रात्रि कर्फ्यू का पालन। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा नव निर्मित सदन भवन का 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण। ADG जोन ने कैन थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई लूट की घटना का जल्द से जल्द अनावरण करने का दिया निर्देश। ADM वित्त ने दी जानकारी, कहा 26 से 5 जनवरी तक विशिष्ट स्टैंप अदालत के माध्यम से पक्षकार स्टैंप निबंधन शुल्क की कमी तथा ब्याज जमा करने पर दी जाएगी छूट। प्रदेश के मेडिको लीगल एक्सपर्ट ने जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को पोस्टमार्टम संबंधी विषय पर दी जानकारी। सिख समुदाय ने साहिबजादों की याद में सबद कीर्तन का हुआ आयोजन। और CMO ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 372 CHC PHC जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।